ओके, तो आज हम पेनिसिलिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पेनिसिलिन जो पाया गया था उसका नाम है पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी केमिकली है बेंजील पेनिसिलिन। अभी ये जो पेनिसिलिन जी जो सबसे पहले बनाया गया था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस मतलब बहुत ज़्यादा खामियां, बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे। तो पहले हम उन ड्रॉबैक्स, उन लिमिटेशंस को चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहली लिमिटेशन थी, इट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड ओरली। मतलब हम पेनिसिलिन जी को ओरल रूट से नहीं ले सकते हैं, इसे हम इंजेक्शंस के थ्रू ही ले सकते थे। सेकेंड प्रॉब्लम है वेरी शॉर्ट एक्टिंग। वेरी शॉर्ट एक्टिंग मतलब इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। मतलब अगर हमने इंजेक्शन के थ्रू पेनिसिलिन जी दिया है किसी को, तो पेनिसिलिन जी एक्शन प्रोड्यूस करेगा सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद हमसे फिर से दूसरा पेनिसिलिन जी का डोज देना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है नैरो स्पेक्ट्रम। मतलब पेनिसिलिन जी है इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पेनिसिलिन जी सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट कर सकता है, इसका कोई एक्शन नहीं है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब अभी मैंने जैसा बोला था कि पेनिसिलिन जी है इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल कर सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी किल करने के लायक नहीं रहता, वो इतना रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बैक्टीरियाज़ के अंदर। नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम है एलर्जिक रिएक्शन। तो पेनिसिलिन जी एलर्जी प्रोड्यूस करता है, इतनी इतनी ज़्यादा डेंजरस एलर्जी के इससे एनाफालैटिक शॉक भी हो सकता है। तो ये 5 लिमिटेशंस हैं पेनिसिलिन जी के। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे इन लिमिटेशंस को, इन खामियों को, इन ड्रॉबैक्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो हम चेकआउट करते हैं हाउ टू ओवरकम लिमिटेशंस ऑफ पेनिसिलिन जी। सो पहला प्रॉब्लम वॉज कैन नॉट बी कंज्यूम ओरली। नाउ अभी क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम इसे पेनिसिलिन जी को ओरल रूट के थ्रू क्यों नहीं ले सकते हैं? तो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये समझो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, अगर हम पेनिसिलिन जी ओरली लेते हैं, ऑब्वियसली इट ये हमारे जीआई ट्रैक में एंटर करेगा और हमारे स्टमक में जाएगा। हमारे स्टमक में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसिडिक ड्रग, नॉट एसिडिक ड्रग सॉरी, गैस्ट्रिक एसिड है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है हमारे स्टमक में। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक करेगा पेनिसिलिन जी को और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब ये टुकड़े क्या है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता इन टुकड़ों का, इन पेनिसिलिन जी का। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम जिसके वजह से हम पेनिसिलिन जी को ओरल रूट से नहीं ले सकते। अब इसका सलूशन क्या है? इसका एक ही सलूशन है कि हम इस तरीके के पेनिसिलिन जी बनाएं कि वो हमारे गैस्ट्रिक एसिड के अटैक से बच सके। ठीक है, तो हमने ऐसी पेनिसिलिन डेवलप की है और इसका नाम हमने दिया है एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। इसके एग्जाम्पल्स है पेनिसिलिन वी, जिसको फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन एंड एमोक्सिसिलिन। सो ये सारे एग्जाम्पल हैं एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन के। और इसको याद करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है, वो है वॉडका। ठीक है, वी से पेनिसिलिन वी, ओ फॉर ऑक्सासिलिन, डी फॉर डाइक्लोक्सासिलिन, सी फॉर क्लोक्सासिलिन एंड ए फॉर एमोक्सिसिलिन। ठीक है, तो ये है हमारे एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, ये है फर्स्ट क्लास ऑफ पेनिसिलिन। नेक्स्ट, इस तरीके से हमारा पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये ड्रग्स हम लोग ओरली ले सकते हैं। नाउ अभी हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ, वो है वेरी शॉर्ट एक्टिंग। मतलब अगर हम पेनिसिलिन लिए तो उसका एक्शन जस्ट 2 to 3 आवर्स के लिए ही है, 2 से 3 घंटे के लिए ही वो एक्शन प्रोड्यूस करेगा ना। क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि समझो ये हमारी नेफ्रॉन है और ये एक जो ब्लैक कलर का गोल सर्कल दिख रहे हैं वो है एक पंप। ठीक है, तो ये पंप क्या करता है, पेनिसिलिन को ब्लड सर्कुलेशन से नेफ्रॉन के अंदर डाल देता है। ठीक है, ये प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। आपको पता ही होगा कि यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन और थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन मतलब ब्लड वेसल से नेफ्रॉन के अंदर जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो पेनिसिलिन क्या है, बहुत फास्ट उसका ट्यूबुलर सीक्रेशन है, सिर्फ 2 से 3 घंटे में ये ड्रग क्या है नेफ्रॉन के अंदर चले जाता है, और नेफ्रॉन के अंदर जाने के बाद ये यहाँ से यूरिन के थ्रू एलिमिनेशन हो जाती है पेनिसिलिन की। तो इस वजह से पेनिसिलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है सिर्फ 2 से 3 घंटे। अभी इसका सल्यूशन क्या है,
इसका एक ही सलूशन है कि हम पेनिसिलिन को एक और ड्रग के साथ दें और उस ड्रग का नाम है प्रोबेनिसिड। अब क्या है पता है, ये पेनिसिलिन और प्रोबेनिसिड क्या है, कंपटीशन लगाते हैं। किस चीज़ की कंपटीशन, के कौन जल्दी से ट्यूबुलर सीक्रेशन हो जाएगा। अब प्रोबेनिसिड के बाद क्या है, इसकी एफिनिटी इस पंप के लिए बहुत ज़्यादा है, तो ये पेनिसिलिन से पहले प्रोबेनिसिड ट्यूबुलर सीक्रेशन हो जाएगी। ओके, तो अब ये पंप भी क्या है, कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं पेनिसिलिन को सीक्रेट करूँ या प्रोबेनिसिड को सीक्रेट करूँ, लेकिन इसकी एफिनिटी प्रोबेनिसिड के लिए ज़्यादा है। एफिनिटी या आप बोल सकते हैं कि इसकी फ्रेंडशिप, इस पंप की फ्रेंडशिप प्रोबेनिसिड के साथ ज़्यादा है, तो इसलिए वो प्रोबेनिसिड को प्रेफर करेगा बजाय पेनिसिलिन के। सो इस तरह पेनिसिलिन का स्टे टाइम हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, हमारे बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा और इस तरह इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे हम पेनिसिलिन की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज़ करते हैं। क्या है वो तरीका, जब हम पेनिसिलिन को प्रोबेनिसिड के साथ देते हैं। हमारे पास एक और तरीका है जिससे हम इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज़ कर सकें, और वो तरीका है विद द हेल्प ऑफ डीपोट प्रिपरेशन। अभी डीपोट प्रिपरेशन क्या है, सपोज़ हमने एक डीपोट प्रिपरेशन दी इंट्रा मस्कुलर रूट से, तो क्या है, ये जो प्रिपरेशन है वो हमारे मसल में स्टोर हो जाएगी और धीरे धीरे स्लोली स्लोली ये हमारे मसल से रिलीज़ होकर ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी। तो नॉर्मली हम लोग दो कंपाउंड्स यूज़ करते हैं, बेंजाथीन एंड प्रोकेन। तो हम चाहे तो पेनिसिलिन जी को बेंजाथीन के साथ कॉम्बिनेशन करें या पेनिसिलिन जी को प्रोकेन के साथ कॉम्बिनेशन दें, तो ये इसका हम लोग डीपोट प्रिपरेशन बना सकते हैं। अभी समझो हमने सिर्फ पेनिसिलिन जी ओनली एंड ओनली पेनिसिलिन जी हमने दिया इंट्रा मस्कुलर रूट से, तो इससे क्या होगा, सारा का सारा जो ड्रग है वो ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा और 2 से 3 घंटे में उस पेनिसिलिन जी का एलिमिनेशन हो जाएगा। लेकिन बजाय खाली पेनिसिलिन जी देने के हमने दिया बेंजाथीन पेनिसिलिन जी, तो क्या होगा, सपोज़ हमने 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाथीन पेनिसिलिन जी दिया इंट्रा मस्कुलर रूट से, तो क्या होगा, पूरे 1000 मॉलिक्यूल्स पहले हमारे मसल में जाएंगे, फिर इस 1000 मॉलिक्यूल से स्लोली स्लोली समझो 100 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हुआ मसल में से हमारे ब्लड में, और हमारे ब्लड में आने के बाद वो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ पेनिसिलिन वो प्रोड्यूस करेंगे एक्शन 2 से 3 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद वो एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर 2 से 3 घंटे बाद अगला 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ पेनिसिलिन रिलीज़ होगा मसल से ब्लड में और वो प्रोड्यूस करेगा एक्शन 2 से 3 घंटे के बाद, और वो एलिमिनेट होने के बाद 2 से 3 घंटे बाद फिर अगले 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ पेनिसिलिन रिलीज़ होगा हमारे मसल से हमारे ब्लड में और वो भी प्रोड्यूस करेगा एक्शन 2 से 3 घंटे के लिए। तो इस तरीके से हम लोग एक सस्टेन रिलीज़ ऑफ पेनिसिलिन मेंटेन कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो इस तरीके से भी हम इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, हम इस तरीके से हम अपना दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हम बढ़ते हैं कि हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं, समझो हम बेंजाथीन पेनिसिलिन हम लोग इंट्रा मस्कुलर रूट से ही देते हैं, लेकिन समझो हम लोग बेंजाथीन पेनिसिलिन जी अगर हमने दिया इसे इंट्रावीनस रूट से, तो क्या होगा, इंट्रावीनस रूट में दिया तो ऑब्वियसली वो ब्लड में ही चले जाएगा, वो मसल में स्टोर नहीं होगा, सीधा ब्लड में चले जाएगा और ब्लड में जाने के बाद 2 से 3 घंटे बाद वो ड्रग एलिमिनेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेंजाथीन पेनिसिलिन जी अगर हमने इंट्रावीनस रूट से दिया तो उसका एक्शन भी सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए ही होगा। तो बेटर हम लोग बेंजाथीन पेनिसिलिन या प्रोकेन पेनिसिलिन, हम इसका ये जो डीपोट प्रिपरेशन है वो इंट्रा मस्कुलर रूट से ही दें, जिसके वजह से इस ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, नाउ अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ, जो है कि नैरो स्पेक्ट्रम। ओके, स्पेक्ट्रम मतलब पेनिसिलिन जी कौन से बैक्टीरिया के खिलाफ एक्टिवेट और कौन से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो पहले हम लोग चेकआउट करते हैं कि पेनिसिलिन जी का स्पेक्ट्रम क्या है। तो एज़ मैंने जैसे कि पहले भी बोला कि पेनिसिलिन जी ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इंक्लूड्स ग्राम पॉजिटिव कॉकस, जैसे कि स्ट्रेप्टोकॉकस है और स्टेफाइलोकॉकस है, और ये आल्सो इफेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव बैसिलस के खिलाफ, जैसे कि एंथ्रासिस जिसके वजह से एंथ्रैक्स होता है, और इवन क्लॉस्ट्रिडियम जिसके वजह से टिटानस होता है, गैस गैंग्रीन, डिफ्थेरिया, लिस्टेरिया, ये सब होते हैं। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये हमारी पेनिसिलिन जी जो ड्रग है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ एक्टिव है, मतलब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती है, नष्ट कर सकती है। नाउ अभी जब हम चेकआउट करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया,
द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज ग्राम नेगेटिव कोकाई, जैसे कि निसेरिया, बोथ निसेरिया गोनोरिया एंड निसेरिया मेनिनजाइटिस, ये दोनों के खिलाफ ग्राम पेनिसिलिन जी इफेक्टिव है। मतलब पेनिसिलिन जी निसेरिया और दूसरे कुछ तरीके के ग्राम नेगेटिव कोकाई के खिलाफ इफेक्टिव है। पेनिसिलिन जी नष्ट कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई को। बट मेन प्रॉब्लम क्या है, पेनिसिलिन जी आर इन इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। ओके, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई को पेनिसिलिन जी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और यू नो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई एक बहुत ही बड़ा ग्रुप ऑफ बैसिलाई है, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया इंक्लूडेड है, जैसे कि ई कोलाई, शिगेला, साल्मोनेला, पूरे तरह के एंटेरोबैक्टीरियस, प्रोटियस, सूडोमोनास, क्लेबसिला, ये सभी ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में इंक्लूडेड है। बट ग्राम पेनिसिलिन जी इनइफेक्टिव है ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के खिलाफ, इसलिए इसे हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में ही इंक्लूडेड है। अब हम इसका सोल्यूशन क्या करें, तो इसका सोल्यूशन ये है कि हमने एक ऐसी तरीके की पेनिसिलिन डेवलप की है जो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई को भी किल कर सकते हैं, और इसका हमने नाम दिया है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। ठीक है, तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन ये एक्टिव है और ये किल कर सकती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को ही। दो एग्जांपल्स है एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, कार्बनिसिलिन, टिकारसिलिन, मेजलोसिलिन, एजलोसिलिन एंड पाइप्रोसिलिन। ठीक है, सो ये सारे एग्जांपल्स हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, मतलब ये सारे पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसको याद करने के लिए हमारे पास एक न्यूमोनिक है, ए सिटी मैप। ठीक है, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं इन सारे ड्रग्स को। अभी एक बहुत ही डेंजरस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्यूडोमोनास। तो ये जो नीचे के पांच ड्रग है, कार्बनिसिलिन, टिकारसिलिन, मेजलोसिलिन, एजलोसिलिन एंड पाइप्रोसिलिन, ये पांचों ड्रग स्यूडोमोनास को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ऊपर के जो दो ड्रग है एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन, ये स्यूडोमोनास के खिलाफ इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये एक अलग क्लास ऑफ ड्रग, ये सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग है पेनिसिलिन के। ठीक है, नाउ इस तरीके से हमने नैनो स्पेक्ट्रम का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रॉब्लम की तरफ, वो है डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो इससे पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। समझो कि ये एक बैक्टीरिया है और कभी भी हम पेनिसिलिन जी देते हैं तो ये पेनिसिलिन जी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, और द स्टोरी कंटिन्यूस। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, ये बैक्टीरिया सोचते हैं ये क्या चल रहा है, पेनिसिलिन जी आता है हमको मारता है चले जाता है, हम ये नहीं सहेंगे। तो जो बैक्टीरिया लोग हैं ये लोग ने क्या सोचा पता है, क्यों ना हम अपनी प्रोटेक्शन करें। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो लोग ने एक इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स रख दिए, और इन सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ में गन भी है। तो क्या होता है, कभी भी हम पेनिसिलिन जी देते हैं तो इन सिक्योरिटी गार्ड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और शूट करते पेनिसिलिन जी को, और शूट करने के बाद क्या होता है, पेनिसिलिन जी ऑब्वियसली वो टूट जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया था ये था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और आपको पता है पेनिसिलिन जी मेनली इफेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने ही सिक्योरिटी गार्ड्स बना ली और वो अब रेजिस्ट हो गए पेनिसिलिन जी, मतलब अब पेनिसिलिन जी आके उनको नहीं मार सकता। ठीक है, तो इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम है पेनिसिलिनेज, क्योंकि ये पेनिसिलिन के ख़िलाफ़ है। एज जहाँ पर भी किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एज लगे मतलब वो एंजाइम है, और ये एंजाइम किसके ख़िलाफ़ है, ये एंजाइम पेनिसिलिन के ख़िलाफ़ है, तो इसे हम कहते हैं पेनिसिलिनेज। पेनिसिलिनेज को ऑल्सो बोल सकते हैं बीटा लैक्टमेज, क्योंकि पेनिसिलिन भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ही है, एक एग्जाम्पल है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, पेनिसिलिन जी हम देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड एक्टिवेट हो जाते हैं, इसको डिशियाँ गोली मारते हैं और ये इसका राम नाम सत्य हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेनिसिलिन ने क्या सोचा, ये कर लो बात, हम इसको मारते हैं और ये पलट के हमें मार रहा है। तो हमने क्या किया, पेनिसिलिन जी को एक
बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी। अब ये बैक्टीरिया का जो एंजाइम जो सेक्रेटरी कार्ड है वो जितना चाहे वो शूट कर ले, पेनिसिलिनस जितना चाहे शूट कर ले, अब पेनिसिलिन जी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसने पहनी है बुलेट प्रूफ जैकेट। अब ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आएगा 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 और बैक्टीरिया को मार डालेगा, ठीक है। तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट है, इसका नाम है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, क्योंकि ये ड्रग क्या इनहिबिट करता है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम को। और इसके एग्जांपल्स है क्लैवोलोनिक एसिड, सालबैक्टम और टजोबैक्टम, ठीक है। अब ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर अगर हम लोग ने इसे अकेले अलोन ही दिया तो ऑब्वियसली ये एक्शन कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन है टू प्रोटेक्ट पेनिसिलिन जी। तो नॉर्मली हम इन ड्रग्स को पेनिसिलिन के कॉम्बिनेशन में देते हैं, तो पेनिसिलिन जी इज गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। तो कॉम्बिनेशन जैसे कि क्लैवोलोनिक एसिड देते हैं एमोक्सिसिलिन के साथ, सालबैक्टम देते हैं एम्पिसिलिन के साथ और टजोबैक्टम देते हैं पाइपरसिलिन के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो रेजिस्टेंस का डेवलपमेंट है इसको भी इनहिबिट करते हैं, ठीक है। सो ये थर्ड क्लास ऑफ ड्रग है। नेक्स्ट हम पेनिसिलिन जी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाते हैं। इसके अलावा हम और एक जन को बुला सकते हैं जो इस बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है, और वो है हमारा रजनीकांत। तो रजनीकांत क्या करता है, हमको पता है रजनीकांत को बुलेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड ही विल लाइक यन्ना रास्कला बैक्टीरिया को किल कर देगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं रजनीकांत पेनिसिलिन। रजनीकांत पेनिसिलिन नहीं, ये इनका नाम है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, नाम ही बोलता है ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है। किसके खिलाफ रेजिस्टेंट है, पेनिसिलिनेज के खिलाफ रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो ये ड्रग्स का नाम है क्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नैफसिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन एंड मेथिसिलिन, और इसको हम याद कर सकते हैं निमोनिक कॉन्डोम से, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स क्या है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, मतलब इन ड्रग्स को पेनिसिलिनेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेनिसिलिनेज रहा तो भी इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही जाके लाइक रजनीकांत वो जाके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाउ इन सारे ड्रग्स में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है वो है मेथिसिलिन, ओके। ये मेथिसिलिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग रजनीकांत, ये हमारे पास इतने सारे रजनीकांत हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग रजनीकांत मेथिसिलिन है, क्योंकि इसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता पेनिसिलिनेज से। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है, तेरा कुछ बैक्टीरिया है जो मेथिसिलिन से भी रेजिस्टेंट है, मतलब उनको मेथिसिलिन आकर भी उनको किल नहीं कर सकता। तो इन बैक्टीरिया का हमने नाम दिया है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस, दैट इज़ MRSA, ठीक है। नाउ क्या खूबी है इन MRSA में, अभी जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया है उनके ऊपर ना एक प्रोटीन है जिसे हम बोलते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो कभी भी हमने पेनिसिलिन दिया तो पेनिसिलिन जाके इन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को इंटरैक्ट करेगा और ये फिर शुरुआत होगी बैक्टीरिया के डिस्ट्रक्शन से। लेकिन ये MRSA जो बैक्टीरिया है इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है वही चेंज हो गई रहती है, तो जिस वजह से हमने पेनिसिलिन दिया भी तो भी वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से इंटरैक्ट नहीं होगा और बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये अलग क्लास ऑफ ड्रग है जिसको बोलते हैं MRSA, और MRSA के खिलाफ कोई भी एंटीबायोटिक्स, कोई भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं है, एक्सेप्ट वन क्लास, वो है सिफालोस्पोरिन, फिफ्थ जनरेशन सिफालोस्पोरिन, सिर्फ वही MRSA बैक्टीरिया को किल कर सकता है, बाकी कोई दूसरा एंटीबायोटिक MRSA बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब दिस इज फोर्थ क्लास ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा गया कि राइट ए नोट ऑन पेनिसिलिन, तो आप बोल सकते हैं कि पेनिसिलिन, ठीक है, इनिशियली यूज पेनिसिलिन वॉज पेनिसिलिन जी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेंसिल पेनिसिलिन, उसके बाद ये सारे क्लासेस है, और बोल सकते हैं वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोल सकते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट करता, तो ये सब आप फिर उसके बाद ये सारे क्लासेस आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ हम बढ़ते हैं कि लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज़ एलर्जिक रिएक्शन। तो अब जैसे कि मैंने बोला कि पेनिसिलिन जी से एलर्जी होता है, और हम लोग बिना एलर्जी वाला पेनिसिलिन आज तक डेवलप ही नहीं कर पाए, तो क्या करते हैं हम, मतलब इससे एनाफिलैक्टिक शॉक भी हो सकता है, तो हमारा सलूशन क्या है इसके लिए, हम करते हैं कि स्किन टेस्ट।
स्किन टेस्ट मतलब हम लोग पेनिसिलिन देते हैं इंट्राडर्मल रूट, इंट्राडर्मल रूट मतलब जस्ट बिलो स्किन के हम लोग एक इंजेक्शन देते हैं पेनिसिलिन जी का, और इंजेक्शन देने के बाद हम लोग वो एरिया चेकआउट करते हैं 30 मिनट्स तक, ठीक है 30 मिनट्स तक देखते हैं कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, समझोगे 30 मिनट्स के बाद वहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हुए मतलब उस इंसान को हम पेनिसिलिन नहीं दें। लेकिन अगर उस 30 मिनट्स के बाद भी कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ मतलब पेनिसिलिन सेफ है, मतलब उस इंसान को हम पेनिसिलिन दे सकते हैं, ठीक है। अभी और एक प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई इंसान एक पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो वो सारे पेनिसिलिन से एलर्जिक है, मतलब अगर समय कोई इंसान एमोक्सिसिलिन से उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन देता है तो उसको पाइपरजिनिन भी ना दे सके, टिकार्सिलिन भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं क्रॉस एलर्जी। क्रॉस एलर्जी मतलब अगर कोई इंसान एक पेनिसिलिन से एलर्जिक है मतलब वो दूसरे सारे पेनिसिलिन से भी एलर्जिक है, और ये क्रॉस एलर्जी इतनी स्ट्रांग है कि अगर कोई इंसान एक पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो वो सारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से भी एलर्जिक है, मतलब अगर कोई इंसान एक पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो हम उसको सिफालोस्पोरिन भी नहीं दे सकते हैं, कार्बापिनम्स भी नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, कोई भी दूसरा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है मोनोबैक्टम्स। मोनोबैक्टम्स भी एग्जांपल है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के, और मोनोबैक्टम्स क्रॉस एलर्जी नहीं दिखाते, मतलब अगर कोई इंसान एक पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो उस इंसान में हम लोग मोनोबैक्टम्स ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कशन पेनिसिलिन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, मैंने पहली बार हिंदी में कोई लेक्चर रिकॉर्ड किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरी हिंदी टीचिंग समझ में आई है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बोलिए। थैंक यू, धन्यवाद, सॉरी।